हाय दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे रहे। आज मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और इसका नाम है मालमीन शराब। आप सभी लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। ये 100 ml का आता है, ठीक है। ये सिर्फ पेटिक शराब है, मतलब बच्चों के लिए, ठीक है। ये एडल्ट शराब नहीं है, ठीक है। और इससे कंपनी का नाम है जगत फार्मा, ठीक है। इसका जो प्राइस होता है वो आप लोगों का 80 rupees, ठीक है। आप लोग देख सकते हो 80 rupees। और इस मेडिसिन को आप लोग, इस शराब को आप लोग कोई भी मेडिकल शॉप या ऑनलाइन पर भी खरीद सकते हो, ठीक है। और इसको खाने का डोज, इसका साइड इफेक्ट क्या है, मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, ठीक है। पहली बात, आप लोगों का बच्चों को अच्छी तरह से भूख नहीं लगता है, ठीक है। कुछ भी खाता है ठीक तरह से भूख नहीं आता है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा सा भात खाता है, ठीक है। और तब भी आप सभी लोग इस शराब को पिला सकते हो, ठीक है। बच्चों लोग क्या करते हैं, शरीर में कोई एनर्जी नहीं रहता है, ठीक है। कोई खेलने जाता है, थोड़ा देर खेलने से क्या हो जाता है, साथ ही साथ बैठ जाता है। 5 मिनट खेलता है, आधा घंटा रेस्ट लेता है, ठीक है। ऐसा होता है बच्चों के लिए। तो आप लोग इस शराब को पिला सकते हो बच्चों लोगों को, ठीक है। और कोई रनिंग में भी या कोई जो भी बच्चा है वो जैसा भी काम करता है या पढ़ने में भी क्या मन ही नहीं लगता है, शरीर पूरा एनर्जी लॉस होता जाता है, ठीक है। पढ़ने में भी क्या होता है, थोड़ा देर पढ़ने के बाद पूरा ऐसे सो जाता है, ठीक है। उन बच्चों को लिए आप लोग इस शराब को दे सकते हो, ठीक है। और जो इस बच्चे को भी मतलब बहुत पतला है, ठीक है, बहुत पतला सा, उस बच्चे के लिए इस शराब बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इस शराब खाने के बाद वो थोड़ा सा भी मोटा हो जाएगा, ठीक है। उसको इसके खाने के बाद मतलब आप लोगों को खाना थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा करके देना है, ठीक है। उस बच्चे को जो आप लोगों को बच्चों को खाना ज़्यादा दोगे ना, तो वो लोग खा लेंगे, ठीक। इसके बाद आप लोगों को शरीर पूरा सुस्त रहेगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, पाव चबाता है, मतलब पाव में, पाव के जो मांस है वो क्या होता है, पूरा चबाता है, ठीक है। वो आप लोगों को जिसका प्रॉब्लम हुआ ना, वो बहुत भुगते रहता है, ठीक है। उसका बहुत बहुत ज़्यादा पाव चबाता है, ठीक है। इसलिए आप इस सिरप को भी खा सकते हो, ठीक है। इसको खाने के बाद क्या होता है, उस बच्चों को मतलब पाव चबाने भी पूरा ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये सब तो प्रॉब्लम में आप लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को जब आप लोगों को बच्चों लोगों को देगी ना इस सिरप को, आप लोगों को यहाँ पर देख लेना एक बार, यहाँ पर एनर्जी मिलेगा, विटामिन मिलेगा, ठीक है, प्रोटीन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ जिंक भी मिलेगा, ठीक है। और इस सिरप का डोज है आप लोगों का 3 से 6 साल तक आप लोग इसको पिला सकते हो, ठीक है। 6 साल के बाद भी आप लोग पिला सकते हो, ठीक है। मतलब आप लोग 3 से आप लोग स्टार्ट करना है, ठीक है। और इससे कम नहीं है, ठीक है। इससे कम मतलब 2.5 साल ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोग 3 साल के बाद ही इसको देना है, ठीक है। और इतने छोटे बच्चा को इस शराब की कोई ज़रूरत भी नहीं होता है, ठीक है। 3 साल के बाद ही आप लोग दे सकते हो, ठीक है। और इसको 5 ml करके देना है, ठीक है। उसका जो डोसेस है यहाँ पर 5 ml इतना सा होता है, ठीक है। 5 ml वो आप लोग दे सकते हो, ठीक है। इतना सा करके 2 टाइम आप लोग दे सकते हो, ठीक है। और इससे जब आप लोगों को 6 साल हो जाएगा, तब आप लोग 10 ml करके आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो 10 जब आप लोगों का 6 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है, तब आप लोग 10 ml करके दे सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको खाने के बाद एक मुखर पानी भी पिला देना है, ठीक है। जो जल होता है ना, उसको भी पिला देना है, ठीक है। और आप लोगों का डोज होता है इस सिरप का खाने का 30 days से 45 days तक आप लोग पिला सकते हो, ठीक है। जो भी बच्चे हैं, लड़का लड़की दोनों के लिए, ठीक है, 45 days तक पिला सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पिलाना है, ठीक है। और इससे ज़्यादा आप लोग पिलाओगे तो मतलब फिर बाद में इस सिरप को, मतलब इस विटामिन सिरप में कोई भी, जो भी पहले एनर्जी पाता था ना, इस सिरप के बाद में कोई भी एनर्जी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसलिए कुछ दिन गैप रहकर इस सिरप को आप लोग पिला सकते हो, ठीक है। मतलब 45 days आप लोग पिला सकते हो, फिर 2-3 महीना के बाद फिर से इस सिरप को कंटिन्यू आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इस सिरप को आप लोग जिसका भी ज्वर हुआ है या कोई बीमार हुआ है, जिसका भी मतलब शरीर पूरा बीमार होने के साथ क्या होता है, पूरा शरीर दुर्बल हो जाता है, ठीक है, तब आप इस सिरप को पिला सकते हो, ठीक है। वो ज्वर के सिरप के साथ या टेबलेट के साथ आप लोग इसको, इस सिरप को पिला सकते हो, ठीक है। वो जितना भी मतलब शरीर पूरा लूज रहता है ना, इसको खाने के साथ पूरा शरीर भी सुस्त रहेगा, ठीक है।
आशा करता हूँ आप सब लोग इस सिरप के बारे में सबको समझ गए ठीक है। और इसका साइड इफेक्ट तुम्हें बोल ही चुका हूँ, और जिसका बमी हो जाता है इस सिरप के खाने के बाद या पेट दर्द होता है वो जरूर डॉक्टर की सलाह के बाद ही खाना चाहिए ठीक है। और ऐसे भी इस सिरप को ऐसे ही नहीं लेना है, कोई भी फार्मासिस्ट मतलब दुकानदार से पूछ कर अच्छी तरह से वीडियो को समझ कर और डॉक्टर को सलाह के बाद लेना चाहिए ठीक है।